प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती देर रात धार्मिक व पर्यटक नगरी ओरछा पहुंची, जहां उमा भारती ने अलाव जलाकर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर शराबबंदी को लेकर बात की। धार्मिक नगरी ओरछा में चल रही शराब दुकान का विरोध करते हुए उमा भारती ने साफ कहा कि राम राजा सरकार की नगरी में शराब की दुकान का क्या औचित्य, लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। ओरछा में नियम विरुद्ध चल रही शराब की दुकान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आक्रोशित होकर उमा भारती ने साफ कहा कि शराब की दुकान के लिए गांव अलॉट हुआ था, बीच शहर में दुकान अलॉट नहीं हुई थी। जिलाबकारी अधिकारी को तय करना था कि दुकान कहां खुलनी चाहिए। उमा भारती ने साफ कहा कि आबकारी अधिकारी को शर्म आनी चाहिए थी, शराब दुकान वाले तो अपना फायदा सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अभी यह बात सामने आएगी कि उसे कितने करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था। उन्होंने कहा कि राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में शराब का क्या राजस्व वसूलना। उन्होंने कहा कि आबकारी और जिला अधिकारी को टारगेट दिया जाता है, नशा लोगों की आदत है व शराब लोगों की लत है और सरकार इसका उपयोग कर लेती है। लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है, सरकार का धर्म है लोगों की लत को खत्म करना। उन्होंने कहा कि इसमें मूल दोषी कौन है, यह बात तो यहाँ आएगी। उमा भारती ने कहा इसमें मूल दोषी वह है जो राम का नाम लेते हैं। इसके बाद उमा भारती ने कहा कि बोली मैं हूँ मूल दोषी, मुझे फांसी पर लटकाओ। उमा भारती बोली मैंने सरकार के लिए वोट मांगे थे, मैं सीएम होती तो पूर्ण शराबबंदी लागू करती। वहीं इससे पहले उमा भारती ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, मैंने कहा था कि अगर यह मेरे नियंत्रण में रहता तो मैं पूर्ण शराबबंदी लागू करती। मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा है। मैं 31 जनवरी को नई शराब नीति के बारे में फैसले का इंतज़ार करूँगी। उमा ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि उनके रुख से कांग्रेस को फायदा हो। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नित प्रदेश सरकार नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू करती है तो बीजेपी इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत दोहराएगी। ये जगह अलॉट नहीं है, गांव अलॉट है। जगह कौन सी होगी आबकारी जो जिले का होता है वो तय करके देता है ना, उसको शर्म आनी चाहिए थी ना, सरकार का रास्ता है। सही बात, उसको शर्म आनी चाहिए। शराब की दुकान वालों का क्या है, वो तो फायदा सोचेंगे। अब तो दीदी यही लगता गांव की परेपरी में जी। उसको मिला दुकान जी। अब वो चाहते या क्या नाम है उसका, कौन सा अधिकारी बोलते हैं, आबकारी आबकारी अधिकारी जिले का जी, तो वो कहते नहीं यहाँ नहीं मिलेगा आपको, तो आबकारी अधिकारी की गलती मानी जाए इसमें। अभी बात ये आएगी कि उसको कितने करोड़ का ठेका दिया गया था, तो क्या उसका ये लॉजिक था कि हमको यहाँ पर फिर हम आपका चुका नहीं पाएंगे, तो कम का देते थे ओरछा से क्या वसूलना, राम राजा सरकार के दरबार में शराब से क्या वसूल, राजस्व वसूलना। तो अब आबकारी अधिकारी को और जिला अधिकारी को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतना राजस्व देना है, रेवेन्यू देना है। शराब सबसे आसान लगता है क्योंकि उन लोगों का खून पी के दिया जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि नशा लोगों की आदत है, शराब लोगों की लत है, तो इसका उपयोग कर लीजिए।